सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सरीला हमीरपुर सरस्वती शिशु मंदिर सरीला में प्रांतीय गणित विज्ञान मेला का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि मनीषा अनुरागी राठ विधायक व विशिष्ट अतिथि जयंती राजपूत जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर सरीला में प्रांतीय गणित विज्ञान मेला में एक दर्जन से अधिक जनपदों के विद्यालय ने प्रतिभाग किया, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर बसरेहा इटावा, सरस्वती शिशु मंदिर जलालाबाद कन्नौज, सरस्वती शिशु मंदिर जसोदा कन्नौज, सरस्वती शिशु मंदिर शिवरामपुर चित्रकूट, सरस्वती शिशु मंदिर बड़ागांव चिरगांव झांसी, सरस्वती शिशु मंदिर भरुआ सुमेरपुर आदि जनपदों के यहां उपस्थित रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत ने कहा कि आज के बच्चे हमारा कल का भविष्य है, यदि बच्चों के बालकाल से ही अच्छी शिक्षा और संस्कार मिलेंगे तो बड़े होकर देश में सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक प्रगति में सहयोग देकर देश का नाम ऊंचा करेंगे, इस तरह भारत फिर से विश्वगुरु बन सकता है। अध्यक्षा ने आज सरस्वती शिशु मंदिर सरीला में आयोजित प्रांतीय गणित विज्ञान मेले में विशिष्ट अतिथि के रूप में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि बच्चों के मन शीशे की तरह साफ होता है और दिल एक ऐसा पटल है जिस पर जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, क्योंकि जो हमारा भारत देश है वह प्राचीन समय में जबकि तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे उस समय हम विश्वगुरु थे, और यहाँ पर जो 14 जनपदों से बच्चे आए हैं विज्ञान और गणित की प्रदर्शनी लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं हम फिर विश्वगुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं इस समय पर। और मैंने देखा कि प्रदर्शनी में बच्चों ने बहुत ही अच्छा, चाहे आप सोलर प्लांट लीजिए या गोबर गैस द्वारा, और लाइट की बचत कैसे हो तो हम सौर ऊर्जा का वो प्रयोग करके दिखा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे विश्वगुरु का तगमा भारत को फिर दोबारा दिलाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं, और मुझे इस प्रदर्शनी में आकर बहुत ही अच्छा लगा। मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी बनाई है जो आगे कल के वैज्ञानिक विज्ञान के प्रति गणित के प्रति रुझान बढ़े वो आगे इस तरह के नागरिक बन सके, जिनको अभी हम बाल वैज्ञानिक कहते हैं उसके अंदर विज्ञान और ये साथ में आज के जो विज्ञान मेला का आयोजन है उसका उद्देश्य यही है, हमारे छोटे छोटे बच्चों के प्रति विज्ञान के प्रति गणित के प्रति एक भाव जागृत हो, इससे आगे बढ़ कर वो बहुत वैज्ञानिक बन सके, समाज के प्रमुख व्यक्ति आगे बढ़े। पहली बात तो जो आज यहाँ पर विज्ञान का मेला, प्रांतीय गणित विज्ञान का मेला यहाँ पर आयोजित किया गया है मंदिर सरीला में स्कूल में, और यहाँ पर बाहर के बहुत छोटे छोटे बच्चे आए हैं अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इंग्लिश मीडियम या अच्छे स्कूलों से पढ़कर ही अपनी प्रतिभा को उजागर कर सकते हैं, हम उन छोटे छोटे विद्यालयों से भी पढ़कर भी अपनी प्रतिभा को सबके सामने दिखा सकते हैं, समक्ष में रख सकते हैं। और अभी हम लोगों ने देखा बहुत ऐसी जो प्रदर्शनियाँ बच्चों ने अपने हाथों से बनाई है, एक बच्चे ने फायर अलार्म बनाया था, एक बच्चे ने वायु प्रदूषण पूरा दिखाया किस तरह से फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है फिर हमारी जो वायु प्रदूषित होती है, तो ये बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे अपनी प्रतिभा को दिखाकर और उनके जो अध्यापक हैं उनकी प्रतिभा को पहचान कर उनको सही दिशा और सही सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाएँ।